भारत वालों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते कुछ सालों ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने भारत के लिए विभिन्न कोनों में अपनी जड़ें जमा ली है। इनकी गैंग में कोई कराटे चैंपियन है तो कोई अपराध की दुनिया का सरगना। सभी नेपाल से भारत नौकरी करने के नाम से आते हैं, लेकिन भारत वालों को मारकर लूटकर और बर्बाद कर चले जाते हैं, क्योंकि भारत वाले नेपाल के नौकर और चौकीदारों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। एक छोटा सा भी अनुपात माने तो करीब 20% नौकर और चौकीदार देश में नेपाल के होंगे, और यही वजह रही कि इनमें से कुछ अपराधी बन गए और धीरे धीरे इनकी गैंग अंतरराष्ट्रीय हो गई। लेकिन इस बार इनका पाला राजस्थान की उदयपुर पुलिस से पड़ा था। दिन रात एक करके करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने ना सिर्फ 5 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके गिरोह के 3 शातिरों को भी दबोच लिया। वहीं इनसे पूछताछ के बाद हरियाणा के उहान में होने वाले नए अपराध को भी रोका और वारदात करने वाली महिला को हरियाणा पुलिस ने दबोच लिया। पेश है हमारी खास पेशकश बाइकोट नेपाल। यहाँ के चौकीदार और नौकर नहीं रहे वफादार। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने 11 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी वारदात का खुलासा किया जिस तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। दरअसल 9 जुलाई को शिल्पा गांधी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नौकरानी करिश्मा और उन्होंने साथ में खाना बनाया और बाद में वह सोने चली गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्धमूर्छित हो गई। उसे घर में हो रही हलचल दिख रही थी। करिश्मा ने 4 लोगों को अंदर बुलाया, जिन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। बेटी को बंधक बनाया और बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ तक कर दी। वह भी बेसुध थी, इसलिए विरोध नहीं कर पाई। बाद में वह उसे हॉस्पिटल में ही होश आया। नौकरानी की आवश्यकता होने पर पड़ोस में रहने वाली डॉक्टर स्वाति से संपर्क किया था, जिन्होंने दार्जिलिंग की एसके एजेंसी के संजोग के नंबर दिए और वहीं से नेपाल की करिश्मा 1.5 माह पहले नौकरी करने उदयपुर आई। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। सेलिब्रेशन मॉल के सामने एक अर्टिका कार में बैठते हुए सभी बदमाश दिखाई दिए। ऐसे में कयास लगाया गया कि गाड़ी पिंडवाड़ा, मंगलवाड़ या राजसमंद रोड में से एक मार्ग पर गई होगी। तभी नेगड़िया टोल नाके पर जाती हुई अर्टिका कार सीसीटीवी में दिखाई दी। उसी आधार पर पता किया तो सामने आया कि गाड़ी उत्तर प्रदेश के किसी पंकज मिश्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं मुंबई गई टीम ने जांच की तो सामने आया कि करिश्मा जिस मोबाइल का उपयोग कर रही थी वह मुंबई से चोरी हुआ था और इसी से जोधपुर किसी को फोन किया गया था। पुलिस की टीमों ने पहले वीर बहादुर, बाद में हीरा सिंह और गाड़ी के ड्राइवर अफजल की रेकी करके दबोच लिया, जिन्होंने वारदात कबूल करने के साथ ही करिश्मा और उसके साथियों के नेपाल भागने की बात कही। देखिए, दिनांक 8/7/2024 को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में रहने वाली श्रीमती शिल्पा गांधी ने हमें एक रिपोर्ट दी कि उनके घर में एक माह पूर्व लगभग 13/6 को रखी गई एक नेपाली युवती करिश्मा द्वारा उन्हें रात्रि में खाने में कुछ सेडक्टिव मेडिसिंस मिक्स करके और घर में लूटपाट किए। घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी और घटना के दिन घर में रहने वाले चारों ही व्यक्ति, पति पत्नी और दोनों बच्चे, मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस घटना की सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त महिला करिश्मा
जो शिल्पा के द्वारा अपनी फ्रेंड के सजेशन से एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इसके घर में रखी गई थी, उक्त महिला का मोबाइल नंबर और घटना के पश्चात जिस स्थान से ये सभी आरोपी भागे थे वहाँ के सीसीटीवी के विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इस घटना में लगभग 9 से 10 लोगों की संलिप्तता थी। घटना की जानकारी मिलने पर टेक्निकल एनालिसिस कर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इसमें एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर UP70MT6925 की संलिप्तता पाई। उक्त गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड थी। इस पर और चूंकि करिश्मा का जो मोबाइल था जो बॉम्बे में रजिस्टर्ड था, एक टीम हमारी बॉम्बे गई। बॉम्बे से जानकारी करने पर यह पता लगा कि उक्त मोबाइल भी चोरी का था। तत्पश्चात हमारी एक टीम उक्त टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात दिल्ली गई। दिल्ली में हमारी एक टीम जो SHO सुखेर श्री हिमांशु सिंह के नेतृत्व में थी, साथ ही पर्यटन थाना प्रभारी करणवीर और SHO बेकरिया धनपत इनके नेतृत्व में एक टीम हमारी प्रयागराज थी। इन टीम सभी टीमों ने बहुत ही मेहनत से नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस और UP पुलिस के सहयोग से इस घटना में संलिप्त अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों लोग एक वीर बहादुर और बल बहादुर निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल जो उस कार का ड्राइवर था, इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उदयपुर पुलिस के हाथ लगे लुटेरे कोई मामूली लुटेरे या सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, या उस गैंग की सरगना है जिसने देश के अलग अलग कोनों में लूट, चोरी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव को मुख्य केंद्र बना रखा था, जहां बिल्कुल साधारण सा जीवन यह जीते और यहां से वारदात करने के लिए अलग अलग राज्यों में कूच करते। गैंग का सरगना वीर बहादुर इतना शातिर है कि उसने मेरठ में एक व्यापारी के यहाँ वारदात करने के लिए 2 साल तक इंतजार किया, और जब लगा कि मालिक के पास करोड़ों रुपया आ गया है और उसकी मंशा पूरी होने वाली है, तो उसने बड़ी वारदात को अंजाम भी दे दिया और कभी नहीं पकड़ाया। वहां की पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम तक रख रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरठ की पुलिस की पकड़ में वीर बहादुर, हीरा सिंह और उनकी गैंग नहीं आई हो। पुलिस नेपाल तक भी पहुंची, उन्हें पकड़ भी लिया, पूछताछ के बाद कबूलनामा भी हो गया, लेकिन नेपाल से प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के चलते बदमाशों को लेकर नहीं आ सके। लेकिन हमारी उदयपुर पुलिस के जाबाज हिमांशु सिंह, कर्मवीर सिंह और धनपत सिंह के साथ रेणु खोईवाल, सरदार सिंह, सुनील बिश्नोई, जगदीश मेनारिया सहित 2 दर्जन जवानों ने अपनी बुद्धिमता से सबसे पहले गैंग के सरगना वीर बहादुर को दबोच लिया। वहीं हीरा सिंह काफी सातिर था, वह हाथ नहीं आ रहा था तो पुलिस का कोई जवान ऑटो ड्राइवर बना, कोई खैनी खाने वाला मिला तो कोई फोन से बात करने वाला मिला, और वीर बहादुर को दिल्ली मेट्रो स्टेशन के नीचे की चाय की थड़ी पर ही बिठा दिया। सादी वर्दी धारी जवान आसपास थे। जैसे ही हीरा सिंह आया, उसे हिमांशु सिंह राजावत की टीम ने बड़ी चालाकी से दबोच लिया, और इन्हीं से पता चला कि करिश्मा का असली नाम लक्ष्मी है और उसके साथ 7 जने थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जिनमें दिनेश, मिथुन, कांचा, सनी, शिव और राहुल शामिल है, जो नेपाल में छिपे हैं, और उदयपुर पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही सभी गिरफ्त में होंगे। नेपाल पुलिस से भी मदद मिल रही है। वीर बहादुर और हीरा सिंह दोनों ही नेपाल के डिस्ट्रिक्ट टोली के निवासी हैं। इन दोनों ने मिलकर नेपाल से अपने जो साथी गैंग के सदस्य हैं, जिसमें करिश्मा जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, इसके अतिरिक्त दिनेश, मिथुन, कांचा और सुरेंद्र, सनी,
शिवा और राहुल, इन सबको नेपाल से बुलाकर यह गाड़ी प्रयागराज में किसी पंकज नाम के व्यक्ति की थी, जिससे यह गाड़ी हायर करने के पश्चात उस गाड़ी के ड्राइवर अफजल से मिलकर ये संपूर्ण वारदात कारित की। घटना के दिन जो मौके पर मौजूद थे उसमें दिनेश, मिथुन, कांचा और सुरेंद्र, सनी, शिवा और राहुल, ये सुलभ लोग घटना के दिन मौके पर थे। इनमें से दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा, ये सब लोग गाड़ी से उतर करके करिश्मा के द्वारा जब फ़ोन पर उन्हें सूचना दी गई कि चारों ही परिजन मूर्छित हो गए हैं, तब ये सेलिब्रेशन मॉल के पास, क्योंकि पूर्व से ही गाड़ी में तैयारी अवस्था में बैठे थे, तो इन 7 लोगों में से 4 लोग, दिनेश, मिथुन, सनी और शिवा, गाड़ी से उतरकर संबंधित मकान पर गए और करिश्मा के सहयोग से ये संपूर्ण लूटपाट की घटना मौके पर कारित की। और लूट करने के पश्चात ये चारों व्यक्ति सेलिब्रेशन मॉल पर पूर्व में खड़ी गाड़ी, जिसमें अफजल, कांचा और सुरेंद्र और राहुल ऑलरेडी थे, उनके साथ मिलकर यहाँ से फरार हो गए। और यहाँ से जाने के बाद इसे नेपाल बॉर्डर पर अफजल द्वारा छोड़ा गया। अफजल को हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके कब्जे से गाड़ी जब्त कर ली है। इस सारी घटना का वो मुख्य सूत्रधार था, वो वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर है, जो पूर्व में भी मेरठ में करोड़ों की डकैती में, इसी तरह की तरीका वारदात की डकैती में पिछले कई वर्षों से वांछित है और 5 लाख का इनामी बदमाश है। यह वह व्यक्ति है जो यूपी, नोएडा, दिल्ली में नेपाली युवक युवतियों की मदद से लोगों को विश्वास में लेकर के वहाँ पर घरों में नेपाली युवक युवतियों को रख पाता है। तत्पश्चात 20 दिन में उस सारे घर की डिटेल लेकर के और वहाँ पर नकबजनी लूट और डकैती की वारदात कारित कराता है। यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि इसकी दिल्ली पुलिस इसके पीछे है, यूपी पुलिस इसके पीछे है और साथ साथ हरियाणा की पुलिस भी इसके पीछे है। इसी की पूछताछ से, जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इसी की पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर कल हरियाणा पुलिस ने लोहाना डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की मोटर सुप्रेंडाई की एक डकैती की वारदात को होते होते रोका और रंगे हाथों एक नेपाली युवती कीर्ति को किसी डॉक्टर कार्तिक के घर में डकैती करने की वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास रंगे हाथों बड़ी मात्रा में जो लूट की गई ज्वेलरी और कैश की मात्रा थी वो बरामद की है। अभी हमारे पास सिर्फ हमारे कब्जे में अफजल, जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो घटना के दिन घटना पर मौके पर मौजूद था, वीर बहादुर और हीरा सिंह, ये जो मेन चीफ कॉन्स्पिरेटर हैं, जिन्होंने यही लोग हैं जो वारदात के लिए इन सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, घरों में प्लांट करते हैं, लूटपाट कराते हैं, डकैती कराते हैं, इनको फैसिलिटेट करके नेपाल रवाना कर देते हैं और फिर नए सिरे से दिल्ली में रह करके नई टीम तैयार करके नई वारदातें करने का प्लान करते हैं। सर, ये करिश्मा जैसे महिलाओं का उपयोग करते थे या फिर ये भी इसमें शामिल थे? सर, नहीं, ये बिल्कुल चीफ कॉन्स्पिरेटर, यही है जो सारी घटना का सूत्रधार था। ये गैंग को नेपाल से बुलाते हैं, दिल्ली में किसी के घर पे नौकर को रखवाते हैं, कहीं मेरठ में रखवाएंगे, कहीं राजस्थान में रखवाएंगे। रखवाने के बाद इनको सारी गाइडेंस और डायरेक्शंस यही लोग वीर बहादुर बल बहादुर ही देता है और इन्हीं के इशारे पर ये सारी गैंग्स काम करते हैं। करिश्मा को नेपाल बॉर्डर पे छोड़ने के बाद उसकी लाश, देखिए अभी हम इस पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बट हमारी जानकारी अनुसार और पूछताछ से ये सभी लोग अभी नेपाल में, नेपाल पुलिस से हम लगातार संपर्क में और नेपाल पुलिस हमारा सहयोग भी कर रही है। बट फर्दर हम, चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है कि नेपाल में हमारी टीम जाए और वहाँ पर जाकर के नेपाल पुलिस का औपचारिक सहयोग ले, इस संदर्भ में भी हम जो भी संबंधित प्रक्रिया है उसका पालन करके, एसओपी का पालन करके अपनी टीम को सीधे नेपाल भेजें। करिश्मा उर्फ लक्ष्मी और उसके साथ उदयपुर में वारदात करने वाले बदमाश और लूटा गया माल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन पुलिस के हाथ जो लगा उससे
देश में एक और बड़ी वारदात होते होते बच गई। गैंग के सरगना के बयान के बाद हरियाणा के वुहान में एक डॉक्टर परिवार के घर में यह वारदात होने वाली थी और उसे भी करिश्मा जैसी ही लुटेरी कीर्ति अंजाम देने वाली थी। उदयपुर पुलिस की सूचना के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे भी दबोच लिया और लगातार पूछताछ जारी है। यही अब पूरे देशवासियों को यह सीख लेने की जरूरत है कि नेपाल से काम करने वाले नौकर और चौकीदारों पर विश्वास पूरी पूछ परख के बाद ही करें, क्योंकि इस भेष के पीछे चोर लुटेरे और हत्यारे भी छिपे हो सकते हैं, जो आपके रक्षक कम और भक्षक ज्यादा साबित होंगे। हो सकता है करिश्मा, लक्ष्मी, कीर्ति जैसी कितनी ही नौकरानियां या फिर वीर बहादुर हीरा सिंह जैसे कितने ही चौकीदार आज भी देश के हजारों घरों में काम कर रहे हैं और वारदात को अंजाम देने के इंतजार में हैं। उदयपुर न्यूज जांबाज अफसर हिमांशु सिंह, धनपत सिंह, कर्मवीर सिंह के साथ उन तमाम जवानों को साधुवाद देता है जो भले ही सुखेर में हुई वारदात के अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन जिन अपराधियों को पकड़ा है वह देश के लिए काफी खतरनाक थे और यह पकड़ में नहीं आते तो वारदातों पर लगाम नहीं लग सकती थी, क्योंकि वारदात करने वाले तो सिर्फ मोहरा थे। असली सरगना तो वीर बहादुर था जो अब उदयपुर पुलिस के कब्जे में है। नमस्कार।